हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फ्रेश और एकदम ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, जो कि मतलब यहाँ पे जितने भी लोग जो हेयर ऑयल यूज़ करते हैं वो घर में होममेड ही बना के फिर वो यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है, हमने इसको टू पीसीस में पहले कट कर लिया है और इसका जो वाटर है वो हमने पी लिए, तो काफ़ी क्वांटिटी में हम बना रहे हैं। एंड अभी मैं इसे ट्राई करने जा रही हूँ। ये जो है ये काफ़ी यूनिक है, लाइक मुंबई में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हमारा जो रहता है वो डिफरेंट है और ये वाला डिफरेंट है। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। काफ़ी मेहनत लगती है इसको ये करने में। देखिए, दिखने में बहुत आसान है कि हाँ हो जाएगा, बट इसको करने के लिए बहुत मेहनत लगती है वाकई में, और हाथ की तो बहुत गंदी वाली वाट लग जाती है। एंड जो कोकोनट को हमने क्रश किए थे उसका हम अभी मिल्क निकाल रहे हैं, लाइक दिस। ये जो है हमारा कोकोनट का मिल्क यहाँ पे निकल गया है। इसको अभी बॉईल करेंगे तो हमारा जो फिर वो ऑयल रेडी होगा। सो ऐसे करके हम एकदम जो लास्ट है थोड़ा पानी मिला के इसको हम इसका जो जितना भी मिल्क है सब निकाल लेंगे और ये जो है वो वेस्ट हो जाएगा पूरा। एंड आप लोग देख सकते हो कि हमने 11 कोकोनट लिए थे, उसका इतना सारा मिल्क निकला है। एंड अभी इसको हम बॉईल करेंगे। ये कटोरी क्यों रखे? ओके, ये अभी हमने यहाँ पर इस चूल्हे में इसको डाल दिए हैं और इसको काफी टाइम लगेगा बॉईल होने में। ये कटोरी इन्होंने, ये जो बॉल है इन्होंने इसके लिए रखे ताकि ये उबले ना और पूरा गिर ना जाए इसके लिए। अभी इसमें और लकड़ी ऐड कर रहे ताकि इसका जो ये और ज्यादा गर्म हो और जल्दी जल्दी पक जाइए। एक घंटा हो गया इसको बॉईल होते हुए एंड यहाँ पे जो है ये एकदम धीमी आँच में पक रहा है, तो इसके लिए और ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड यहाँ पे भी और टाइम लगेगा इसको बनने में। एंड अभी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है, तो वो जो हमने बॉल रखे थे उसको भी निकाल ले रहे हैं। एंड वहाँ पे हमारा ऑयल का प्रोसेस चल रहा है और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो एकदम फ्रेश और एकदम देख सकते हैं एकदम नेचुरल स्टार फ्रूट यहाँ पे लगे हुए हैं। और अभी हम लोग इसको निकालेंगे और इसको मतलब जो मैं मुंबई में खाती थी स्कूल लाइफ में, अभी वैसा करके खाएंगे, लाइक नींबू और मिर्ची लगा कर। एंड अभी इसे हम वॉश कर रहे हैं और ये हमारा पूरा प्योर तेल रेडी हो चुका है। ये पूरी इसकी मलाई है जो कि वेस्ट नहीं होगी। इसको हम लोग शक्कर देके और इसको अच्छे से मिक्स करके लाइक मावा टाइप हम खा सकते हैं। और गहरा नारियल का इतना हमें कोकोनट ऑयल मिला। फ्रूट सी के ये स्टार फ्रूट कितना बड़ा है एंड एकदम फ्रेश, मैंने अभी झाड़ से तोड़ कर लाई है। ये थोड़ा मतलब नीचे आते आते मतलब जो झाड़ से गिरा है तो थोड़ा ये हो गया, उसको हम नहीं यूज़ करेंगे, हम दूसरे वाले यूज़ करेंगे। एंड लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा है।
मिक्स करेंगे लाइक स्पाइसेस, नमक और मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे एंड देन फिर हम इसे टेस्ट करेंगे। एंड अभी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं नमक। एंड रेड मिर्ची। थोड़ा सी इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। लेट मी टेस्ट इट फर्स्ट। बहुत टेस्टी है। रिजवान कैसा है? बहुत टेस्टी है। हाँ आप खाओगे? हाँ मैं तो खाई। अच्छा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय बाय।